शहर में ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में स्थित शाहजहानी मस्जिद, केसरगंज स्थित ईदगाह और नौसर स्थित ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में अकीदतमंद नमाज अदा करने पहुंचे और अमन और शांति की दुआएं मांगी। ईद के अवसर पर मस्जिदों में खास सजावट की गई। त्योहार पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये अल्लाह का एहसान है कि हम दो साल बाद वापस उस खुशगवार माहौल में इकट्ठे हुए हैं। तमाम देशवासी अपने अपने मज़हब को, अपने मज़हबी एतबार से अपने त्यौहारों को खुशहाली के साथ मना रहे हैं। आज जो यह माहौल आप देख रहे हैं कि सब तमाम धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे मुल्क की ताकत है, ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो अमन के दुश्मन हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं। उनको मेरे पूरी उम्मीद है कि पूरे मुल्क में इस तरीके से ईद खुशहाली माहौल में मनाई जा रही होगी। पिछले गुज़िश्ता दिनों के अंदर हमने देखा कि सभी धर्म के त्यौहार एक साथ आए हैं और आज भी आखा तीज जिसको कहते हैं बड़ा शुभ दिन माना जाता है। और आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। जिस तरीके से आप देखें तमाम मज़हब के लोग हमने यहाँ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क में इस तरीके से खुशहाली के साथ ईद मनाई जा रही होगी। हमारे मुल्क की एकता अखंडता कायम रहे, इसके लिए हर नागरिक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे। धर्मगुरु आ गए हैं, आम नागरिक आ गए हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी एकजुट हों कि हमारे मुल्क में शांति अमन चैन बना रहे और हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अमन चैन भाईचारा और खुशहाली देश और प्रदेश में बनी रहे। ऐसे ही हम लोग त्यौहार मनाते रहे क्योंकि पिछले दो साल कोरोना काल में बीत गए और नमाज यहाँ ईदगाह में नहीं हो पाई, लोग घरों में ही रहे। तो आज दो साल बाद जब नमाजियों के चेहरों पर खुशी है और सभी लोगों में उत्साह ईद को लेकर, तो ये उत्साह ऐसे ही मालिक बनाए रखे और ऐसे ही भाईचारा बनाए रखे। जिस प्रकार से आज पुष्प वर्षा कर नमाजियों का स्वागत किया गया, मालिक ऐसे ही हमेशा स्वागत सभी धर्मों के लोग करते रहे। रमज़ान के इस पावन मौके पर समापन होने पर आज ईद का महोत्सव मनाया जा रहा है। ईद वास्तव में देश में अमन शांति सुख चैन और देश की एकता अखंडता बनी रहे, इसके लिए हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस तरह हमारे देश की संस्कृति चली आई है, जिस तरह हम भाईचारा हमारे देश में है, जिस तरह हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म हमारे साथ हैं, उस तरह हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसी ताकतें जो हमारे धर्म के नाम पर देश में राजनीति कर रही हैं या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे देश में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही हैं, उनको अल्लाह और ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे, उन लोगों की ताकतों को जो है ख़त्म करे और पुनः जो हमारे देश के अंदर जिस तरह अमन शांति और चैन बना हुआ है सदैव बना रहे। महीने की तपस्या के बाद जो खुशी है आज और जो ईद की नमाज पढ़ी गई, तो उन्हीं लोगों का इस्तकबाल करने के लिए आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर आई है और इस्तकबाल किया जा रहा है। और यही प्रार्थना है कि जैसे पूरे देश में अमन चैन शांति रहे, भाईचारा रहे, जिस प्रकार से भाईचारे की सीख देता है ईद, उसी तरीके का भाईचारा बना रहे। जो यहाँ पर ज़ायरीन पूरे महीने 30 रोज़े रख करके यहाँ पर इबादत कर रहे थे और वजीफे में बैठे हुए थे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, उन्होंने सब ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की और शुक्राना अदा किया। उसके बाद जन्नत के दरवाजे पर यहाँ पर तवाफ लगाया। ज़ायरीन यहाँ पर आके बहुत खुश हुए और उनकी खुशनसीब ये कि गरीब नवाज ने इस मौके पर उनको अजमेर शरीफ में दरबार ख्वाजा में बुलाया। और ये उम्मीद रखते हैं गरीब नवाज हमेशा इस खास मौके पर उनको बुलाते रहें। जन्नत दरवाज़ा 6 शबान 8 मई को वापस खुलेगा, जिसमें गरीब नवाज की बारगाह में चाहने वाले दूर दूर से यहाँ पर आकर के हाजिर देंगे दरबार ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन से। ईद की नमाज कहाँ कहाँ अदा की गई दरगाह शरीफ? जन्नत ईद की नमाज यहाँ पर शाहजहानी मस्जिद, संदल खाना मस्जिद और अकबरी मस्जिद में अदा की गई और अजमेर शरीफ में ईदगाह, घंटाघर, तमाम जगह मस्जिदों में अदा की गई। तो ज़ायरीन दरगाह शरीफ में जो मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर की, जो बाकी जो दूर दूर कई होटलों में गेस्टों में ठहरे थे उन्होंने ईदगाह में नमाज अदा की। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877।
9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। Thank you.